टाइल्स के फर्मे लीजिए, टाइल भी बनाइए, 100% का मार्जिन, 100% आपको मिलने वाला है। जितने भी ऑफिस में ब्लॉक्स एंड टाइल्स रखे हैं, हर चीज इससे बनने वाली है। यहां तक इस मशीन से रेडीमेड बाउंड्री वॉल्स, चेयर जो आपने देखी होगी स्टेशन पे, पार्क्स में, वो भी आप इससे बना सकते हो। ये आपको 10 से 11 रुपए में बनके तैयार हो जाती है और 22 से 24 रुपए इसका सेल प्राइस है, मींस 100% का मुनाफा। आज के टाइम पे भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे बिजनेस किए जा रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेपर ब्लॉक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार से लोग जुड़ के भी बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन उस पेपर ब्लॉक को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है एक मशीन की, ऐसी फैक्ट्री की जो आपको मशीन सारी प्रोवाइड कर सके, साथ में आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे। तो इसीलिए आज मैं आ चुका हूँ नोएडा के अंदर HP टाइल्स मशीनरी कंपनी के पास, जहाँ पर मेरे साथ मैनेजर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे इन सभी मशीनों के बारे में। तारक भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार राहुल जी, HP टाइल मशीनरी में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया मुझे। मैंने स्पेशली सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे कुछ व्यूवर्स डिमांड कर रहे हैं पेपर ब्लॉक की कुछ कंपनी ऐसी दिखाओ जहाँ पे पेपर ब्लॉक बनाया सिखाया जाए और मशीनें भी वहाँ से मिल जाए। होता क्या, मशीनें तो हर जगह मिल जाती हैं जी, बट सिखाना, ट्रेनिंग वगैरह, अगर मशीनें खराब होती हैं उसके बाद सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, तो बड़ी जांच पर रख के मैं सर के पास आया हुआ हूं ताकि आप एक अच्छी सर्विस यहां से ले सकें। तो सर बताइए आपकी कंपनी किस चीज में डील करती है? मेरी कंपनी का जो नाम है HP टाइल मशीनरी, एड्रेस है सेक्टर 115 नोएडा सोरखा विलेज। ठीक है। मेरी कंपनी बेसिकली वाइब्रेशन टेबल, कलर मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, जो पेवर ब्लॉक आपने देखा होगा रोड, सड़क, फुटपाथ, पेट्रोल साइड पे जो टाइल्स एंड ब्लॉक लगते हैं, करेक्ट, उसकी मशीनें बनाती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर में इन ब्लॉकों की काफ़ी डिमांड है। एंड इस मशीन से जो भी ब्लॉक बनाओगे बहुत सुंदर, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, बिल्कुल, ये सारी जो टाइल्स एंड ब्लॉक्स बन रहे हैं ये सारे इन्हीं मशीनों से बनते हैं। ठीक है। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 4 मशीनें आप इस्तेमाल करते हैं, 2 वाइब्रेशन टेबल, 1 कलर मिक्सर, 1 कंक्रीट मिक्सर। 4 मशीन का पूरा सेटअप होता है। फिर उसके अलावा आपको जिस टाइप के ब्लॉक्स बनाने हैं उसके लिए मोल्ड्स आते हैं, जिन्हें हम फर्मा बोलते हैं। तो फर्मे में 2-3 तरह की क्वालिटी आती है, जैसे PVC रबड़ आता है, नॉर्मल प्लास्टिक आता है, एक वर्जन प्लास्टिक आता है जिसे हम सिलिकॉन बेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप अच्छी क्वालिटी के फर्मे लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीन्स लेते हैं तो काफ़ी आपकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और आपको इस जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अच्छी मशीनों का होना और मोल्ड्स का, कलर का, केमिकल हार्डनर का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, सही बात है सर। सर जैसे कि मैं सेटअप देख पा रहा हूँ 4 मशीनों का लगा हुआ है, आप इसी सेटअप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी, इसमें 2 वाइब्रेशन टेबल, 1 कलर मिक्सर, 1 कंक्रीट मिक्सर, 4 मशीनों का यही सेटअप हम क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है जी, तो उससे पहले उसको जरूरत है ट्रेनिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी को अगर नॉलेज नहीं है, किसी के पास 2-4 लाख 5 लाख रुपए हैं, तो क्या वो ये बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसा कि देखिए राहुल जी, कोई भी अगर क्लाइंट हमारा इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहता है तो उसकी पूरी जानकारी हमारी कंपनी में दी जाती है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी मशीनें लगेंगी और क्या रॉ मटेरियल इसमें लगेगा, जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट हो गया, आपको एरिया कितना चाहिए, आपको शेड एरिया कितना चाहिए, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हमारी कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं वो सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा। सर डिमांड की बात की जाए, डिमांड कितनी है मार्केट में इसमें इसकी? सर डिमांड की तो बात ही मत करो, मार्केट में इतनी डिमांड है, ये लगा लो मंथली 20 से 25 प्रोजेक्ट एवरी मंथ हम सेल करते हैं। डिमांड ब्लॉक की इतनी है, अभी देखो जैसे UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें जिले हैं, उसमें इसकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले गलियों में आपका खरंजे बिछते थे, RCC होता था, बट अभी क्या है, पेवर ब्लॉक कंपलसरी कर दिया है। बिल्कुल। तो जिससे क्या होता है, पेवर ब्लॉक एक तो दिखने में खूबसूरत होता है, दूसरा अगर ब्लॉक टूट जाता है तो इमीडिएट उसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो और जो बारिश का पानी होता है इसीलिए वो जमीन में चला जाता है, वेस्टेज नहीं होता, नालियों की जरूरत नहीं होती। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, रोड, गली, सड़क, पेट्रोल पंप पे अब यही ब्लॉक लगेगा। तो डिमांड की बात करें तो आप ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते। सर ये 4 मशीनों का सेटअप अगर कोई लगाना चाहता जी, तो लगाने से पहले उसको ये सेटअप वहाँ पहुँचना होगा, तो इसको किस तरीके से पहुँचाते हैं? देखिए सर, पहले क्लाइंट को हमारे यहाँ विजिट करते हैं। विजिट करने में क्या होता है, जो क्लाइंट को जानकारी नहीं है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, लगाने के लिए, वो जानकारी प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद मशीन उनको बताया जाता है, ये मशीन इस काम में आती है और ये मोल्ड्स की क्वालिटी, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ पर उन्हें बताते हैं। बताने के बाद
क्लाइंट अगर फाइनल करते हैं तो बाय ट्रांसपोर्ट, जैसे कि पर्सनल गाड़ी बुक की जाती है और पर्सनल गाड़ी में लोड होके प्रोजेक्ट क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद हमारा इंजीनियर जाता है 2-3 दिन की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि देखो आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपको इतनी जानकारी नहीं है कैसे चलाना है, कैसे ब्लॉक बनाना है। तो इंजीनियर से क्या होता है, देखो मशीन की मेंटेनेंस वो आपको बताएगा कैसे करना है, ब्लॉक्स कैसे बनाना है, आपको मिक्सिंग कैसे करनी है। बेसिकली इस ब्लॉक को बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिक्सिंग करना पड़ता है, जो कंक्रीट मिक्सर हो गया, कलर मिक्सर में पेस्ट हो गया, तो ये सारी जानकारी हमारे इंजीनियर के थ्रू साइड पे दी जाती है। तो सर अगर ये सेटअप आप लगाते हैं तो लगाने के बाद मान के चलो कोई कमी आती है जी, या यूज करने के बाद 6 महीने बाद, तो उसकी मेंटेनेंस क्योंकि मशीनें हैं बिल्कुल, और जो में कमी आती है हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप? बेसिकली मैं बात करूँ तो मशीनों की क्वालिटी के बारे में, तो हमारे जो टेक्नीशियन है बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीनें बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के वेल्डिंग्स यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पाइप्स हो गए, अच्छी क्वालिटी की सीट्स वैसे नहीं आती। इन केस देखिए मशीन है आ भी सकती है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे इंजीनियर्स हैं, जैसे बिहार में हमारा इंजीनियर एमपी साइड में है, 4 इंजीनियर मेरी कंपनी में काम करते हैं जो एरिया कवर करते हैं सारा। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट जाके उसको सॉल्व करके आते हैं, सॉल्व करके आते हैं। बाकी गारंटी वगैरह रहती है मशीनों की? बिल्कुल, मशीन की पूरी गारंटी रहती है। और मोटर की देखिए, कोई भी कंपनी की मोटर लेते हैं तो 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन मेरी कंपनी वारंटी नहीं देती, सीधा गारंटी देती है। गारंटी मीन्स आपका कोई भी चीज़ खराब होता है तो सीधा एक्सचेंज। अच्छा बिल्कुल, चलिए दोस्तों थोड़ा आगे देखते हैं, इनका जो फैक्ट्री का विजिट है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो एक बार इनकी फैक्ट्री का जो इनका लोकेशन है, जहाँ पर इनका सेटअप है मैन्युफैक्चरिंग का, मैं आपको वो दिखाता हूँ जी। चलिए, तो गाइस ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ पर सभी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मशीनें डेवलप हो रही है, मशीनें बन रही हैं। बाकी स्टॉक लगा हुआ था, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये मशीनें किस तरीके से काम करती है, जो मशीनें बताई आपने। जी जी बिल्कुल, इसका नाम क्या जो दिखाया आपने, वाइब्रेशन टेबल? पहले मैं एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं मोल्ड्स, जो पेवर ब्लॉक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं जिगजैग। जो आप ब्लॉक बनाओगे इन्हीं मोल्ड से बनने वाला है, और क्वालिटी की बात करें तो फुल फ्लेक्सिबल, जिसे सिलिकॉन वर्जन दाने से बना हुआ है वो क्वालिटी है। आप स्टॉक भी देख सकते हैं, एक्चुअली मेरा भी डिलीवर भी होने वाला माल, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉक दोस्तों देख पा रहे हैं, स्टॉक लगा हुआ है, तो ये जाने वाला माल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरा वाइब्रेशन टेबल जी, तो ये वाइब्रेशन टेबल है, आप इधर से दिखाएंगे प्लीज एक बार। बेसिकली जो मशीन है, 4 मशीन मैंने बताई थी आपको, 2 वाइब्रेटर, कलर मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, तो वही पार्ट है मशीन वाइब्रेटर। इस पे क्या होता है, पीस को मटेरियल फिल करके गिट्टी वालू सीमेंट यहाँ रखा जाता है, फिर ऑटोमेटिक ऑटो रन सिस्टम होता है, यहाँ से उस कॉर्नर तक जाएगा, जिससे आपके ब्लॉक के एयर बबल्स रिमूव होते हैं, जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक बनाने हैं तो उतनी अच्छी क्वालिटी के आपके पास वाइब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे भी देख सकते हैं, और भी मेरे पास बड़े साइजेज हैं, जैसे कि मेरे पास 10.5, 11.5, 10.3, 11.3, 12.3, बिल्कुल प्रोडक्शन के हिसाब से हर तरह की वाइब्रेशन हमारे आपको मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, स्टॉक काफी अच्छा लगा हुआ, बाकी वाइब्रेशन टेबल का भी स्टॉक है, और बिल्कुल नई टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी जो बन रही है इसमें से आई थिंक पेंट वेंट करना रह गया होगा। बिल्कुल, बेसिकली ये आप देखेंगे अभी पेंट नहीं हुआ, बट मोटर लगा हुआ है। बिल्कुल, तो इसमें क्या है, पहले इसको पेंट तब किया जाता है, पहले इसको चला के टेस्ट किया जाता है मेरी कंपनी में। ठीक है, बिगर टेस्ट के कोई भी मटेरियल मेरी कंपनी से नहीं जाएगा। मेरे ऑब्जर्वेशन में गाड़ी लोड होती है, पर्टिकुलर टेस्टिंग होती है। बेसिकली अगर टेस्ट होकर जाएगा तो वहां कभी भी क्लाइंट को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आता है कंक्रीट मिक्सर, इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी का हमने ये बनाया हुआ है, क्योंकि 8 घंटे इसको चलना होता है। अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज़्यादा चलेगा और अच्छी मिक्सिंग होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी का है, बहुत हैवी बनाया हुआ है। इसके जो ब्लेड देख पा रहे हैं वो भी काफ़ी हैवी है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हैवी ब्लेड लगाए गए, अंदर देखिए स्पेस काफ़ी, और जो चादर देख पा रहे हैं काफ़ी हैवी चादर लगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव। अब बात करते हैं कलर पैन मिक्सर, तो आइए मैं कलर पैन मिक्सर, अभी मेरी गाड़ी लोड होने वाली है तो ये सारा सेटअप किया जा रहा है, गियर लगाया जा रहा है, मोटर लगाई जा रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटर लगाते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, हम वारंटी नहीं, हम गारंटी देते हैं, अपने प्रोडक्ट की गारंटी देंगे। गारंटी से क्या होगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्वालिटी 1 नंबर मिलेगी। ठीक है, कलर पैन मिक्सर है, इसके जो रेडी आप देखोगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा, ये रेडी है, उधर सामने रखे हुए हैं। इसमें मेरे पास बहुत सारे साइजेज हैं, जिनको 3000 प्रोडक्शन करना है, 5000 करना है, 10000 करना है, हर तरह के कलर मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर और टेबल हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल है। दोस्तों देख पीछे देख पा रहे हो, पीछे बड़े हैवी हैवी कलच में मिक्सर रखे हुए हैं जी, हैवी भी यूज में आते हैं,
बिल्कुल जिन क्लाइंट को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है उनको ये मशीन दी जाती है। तो ऐसा नहीं है आपको 2000 करना है, 1000 करना है, 10000 करना है, 15000 करना है, हर तरह की मशीनें हमारे पास उपलब्ध है। बाकी देख पा रहे दोस्तों सामने लाइव इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मशीनें बन रही है। और सर ये मशीन बन रही है, आई थिंक ये आपका वाइब्रेशन टेबल है राइट? ये लड़के जो बना रहे हैं वाइब्रेशन टेबल है, जैसा कि आप देख रहे हो ये वेल्डिंग कर रहे हैं, और वेल्डिंग भी हमारी ट्रिपल लेयर जिसे बोलते हैं हैवी वेल्डिंग की जाती है। इससे क्या होता है, वेल्डिंग अगर आपकी अच्छी है जी तो आपकी मशीन बहुत लंबे समय तक चलेगी, और वेल्डिंग नहीं करोगे तो वाइब्रेशन बहुत हैवी मोटर होती है, 2800 RPM से करता है तो वेल्डिंग टूट जाएगा तो मशीन ख़राब है। इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमारे इंजीनियर्स को, अच्छी वेल्डिंग करें और क्लाइंट को हम अच्छी मशीन दे पाएँ। ठीक है, और साथ में देख पा रहे हैं दोस्तों ये आपका कलर मिक्सचर यहाँ बन रहा है, तो लाइव आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। इनकी खुद की मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जहाँ से कि आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर टेबल ब्लॉक का पूरा सेटअप मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया आज की वीडियो में। जी हमारा मोटिव होता है क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना, अच्छी मशीनें प्रोवाइड कराना, जिससे देखो मशीन तो हर कोई बनाता है लेकिन आज के टाइम में क्या कंपटीशन है, लोग अच्छी क्वालिटी नहीं देते, जिससे क्या देखो क्लाइंट का प्रोजेक्ट खराब होता है, कंपनी की इमेज खराब होती है। बट हमारी कंपनी में एक ही चीज़ अच्छी है, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है और प्लस क्वालिटी के अलावा जो प्रोजेक्ट आपके यहाँ पहुँच जाएगा मेन है सर्विस। अगर सर्विस जो अच्छी देगा समझो आपका काम हो गया, मेन होता है सर्विस। मशीन है सर, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो सब कुछ बेकार है। तो मेन सर्विस है, हम सर्विस बहुत अच्छी देते हैं। सर इतना बड़ा आपका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पर, मैं ये मशीन देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? राहुल जी इसको बोलते हैं केमिकल हार्डनर मेकिंग मशीन। ठीक है, बेसिकली जो पेपर ब्लॉक हम बनाते हैं उसमें हार्डनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मजबूती के लिए फिनिशिंग के लिए काम आता है। तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है HP टाइल मशीनरी का, जो हार्डनर इस मशीन में बनाया जाता है, और इसी हार्डनर की वजह से जो आपने ऑफिस में टाइलें देखी है बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो इसी के थ्रू बनाई जाती है, और आप भी इस हार्डनर से अपने यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के टाइल एंड ब्लॉक बना सकते हैं। सर जिस तरीके से मैं आपका ऑफिस देख पा रहा हूँ ब्लॉक से इतना प्यारा और सुंदर लग रहा है, इतने प्यारे प्यारे सुंदर ब्लॉक्स की जो बनने की क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, ब्लॉक्स तो आपने भी देखे होंगे रोड सड़क फुटपाथ पे कहीं भी आप जाते हैं तो ये रंग बिरंगे नहीं लगते अच्छे, बट ये क्वालिटी आपने नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही बात। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताना चाहता हूँ, ब्लॉक्स तो हर कोई बनाता है लेकिन मेन है क्वालिटी। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं तो मार्केट में कंपटीशन भी है, तो कंपटीशन मैं तभी आप आगे जा सकते हो तब इस क्वालिटी के आप ब्लॉक दोगे। बिल्कुल, तो मैं आपसे 100% की गारंटी देता हूँ, हमारे यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो इंजीनियर इसीलिए भेजा जाता है जो क्वालिटी मेरे ऑफिस में है ये क्वालिटी आपकी साइड पे बने, जिससे आप बहुत अच्छा कारोबार कर सकें, आप जहाँ ब्लॉक बेचें वहाँ बहुत पसंद आए ब्लॉक, तो आगे भी अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस टाइप के हम आपको ब्लॉक बना के देंगे। सर ये कोई सेटअप लगाते हैं अपने घर पर तो प्राइस कितना होने वाला है, कितने सेटअप कितने प्राइस में सेटअप लग जाएगा, कितना मुनाफा कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए ये प्रोजेक्ट डिपेंड करता है आपका, आपके पास कितना काम है, कितने ऑर्डर है। अगर देखो ये 1-1.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए है उससे भी छोटे लेवल का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास ऑर्डर है तो आप इसको 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऊपर जितना भी कर सकते हैं। सर मुनाफा कितना हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट मान के चलिए अगर 1 लाख का ऑर्डर आता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हर बिजनेस में होता है क्या कि 10%, 5%, 8% मिलता है। जी जी, तो आपकी इस बिजनेस में मैंने सुना था ज्यादा मिलने वाला है। बिल्कुल, तो इतना बिल्कुल। कितना ज्यादा मिलने वाला है, 20 हो जाएगा 12% 15% कितना हो जाएगा? बिल्कुल, मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, बिजनेस की डिमांड तो है ही, अब आते हैं मुनाफे पे, मुनाफा कितना है। बिल्कुल, कोई भी कारोबार आप करते हैं अगर मुनाफा नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें मुनाफा मिलने वाला है आपको 60-70% मिनिमम। अच्छा जी, बिल्कुल, एक ब्लॉक की कॉस्टिंग जो आती है अच्छी क्वालिटी का, जो आप ये ब्लॉक देख रहे हैं इसकी आती है 8-9 रुपये। ठीक है, मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है 14-16 रुपये मिनिमम सेलिंग प्राइस है। अगर आप स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे और मैं यूपी बिहार झारखंड की बात करूँ तो 14-16 रुपये में बड़ी आसानी से आप इसको सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक चीज़ और बताता हूँ, इसे बोलते हैं पार्किंग टाइल्स। बिल्कुल, ये आपको 10-11 रुपये में बनके तैयार हो जाती है और 22-24 रुपये इसका सेल प्राइस है, मीन्स 100% का मुनाफा। अगर आप इसको भी इसमें एड ऑन करते हैं, टाइल्स के फर्मे लेते हैं, सेम मशीन पे बनेगी ये भी, टाइल्स के फर्मे लीजिए, टाइल भी बनाइए, 100% का मार्जिन, 100% आपको मिलने वाला है इसमें। मतलब ऐसे पेपर ब्लॉक भी बन जाएंगे और ये वाले जो टाइल्स हैं जो आपने देखा फर्श पर यूज होते हैं, घर के फ्रंट में, फर्श में, यहाँ पे जहाँ भी यूज करना चाहते हैं
फ्लोर पे, तो ये यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी सर ने बताया इसमें डबल का प्रॉफिट होने वाला है। राहुल जी, 12 रुपए का जो टाइल्स है वो आपका 25 रुपए का, 24 रुपए का, 23 रुपए का आराम से सेल हो जाता है। बिल्कुल 100%। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो मशीन आप ले रहे हैं, जो मैंने आपको मशीन बताई है, वाइब्रेशन टेबल, कलर मिक्सर, कॉन्क्रीट मिक्सर, जितने भी ऑफिस में ब्लॉक्स एंड टाइल्स रखे हैं, हर चीज इससे बनने वाली है। यहाँ तक इस मशीन से रेडीमेड बाउंड्री वॉल्स, चेयर जो आपने देखी होगी स्टेशन पे, पार्क्स में, वो भी आप इससे बना सकते हो। और दूसरी चीज, अब मैं आपको राहुल जी एक बार मेरे व्यूवर्स को दिखाइए, जितनी भी टाइल्स रखी हुई है, जितने भी ब्लॉक्स रखे हुए, हर चीज इससे बनेगी। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, ऑफिस में इन्होंने सब सजा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हर प्रकार के सांचे बन रखे, इनको मोल्ड बोलते हैं। अलग प्रकार की सांचे हैं, प्लास्टिक के मिल जाएंगे, सिलिकॉन के मिल जाएंगे, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी है। तो डिस्प्ले पर अपना ज्यादा नंबर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा हो, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपको बना के दी है। तो सर, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, आप इस नंबर पे एनी टाइम 24 घंटे हमारी सर्विस है। आप ऐसा नहीं है 7 बज गए कॉल नहीं करना, 8 बज गए कॉल नहीं करना, 10 11 12 बजे आप चाहते हो और आपको कोई भी जानकारी चाहिए मशीन से रिलेटेड, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो और एनी टाइम आपको उस कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अभी मैंने जो है HP टाइल मशीनरी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका आपको पूरा टूर कराया, आपको मैंने एक एक सेटअप दिखाया कि मशीन भी दिखाई थी किस तरीके से मशीन बन रही, इंजीनियर कैसे काम कर रहे हैं। बाकी स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलवेज हर महीने 25 से 30 मशीनें सेल करता है, सेटअप सेल करते हैं। देख पा रहे यहाँ पे जो मोल्ड्स हैं उसकी भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इनकी स्टॉक रखा हुआ है, इधर भी देख पा रहे हैं यहाँ भी, तो काफी बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे। क्योंकि होता क्या है कि मोल्ड जो है बहुत क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं, ये एक पीस नहीं लेना पड़ता। क्योंकि अगर कहीं पर आपको गवर्नमेंट ने ज़्यादा ऑर्डर दे दिया, कहीं पर आपको 10,000 ब्लॉक बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको 10,000 मोल्ड भी चाहिए होंगे अगर जल्दी बनाने हैं। बाकी तो रिपीट कर सकते हैं उनको, 500-500 बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने अपना स्टॉक भी बनाकर रखा है ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना। लोग मांगते, डिमांड मार्केट में है, इसलिए इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं वहाँ पर इंजीनियर काम कर रहा है, पूरी मशीनें मैंने आपको दिखाई। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको ये समझता हूँ क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो इतना अच्छा इनका अगर यहाँ पे इनकी डिमांड है तभी बना रहे हैं, और इतनी अच्छी क्वालिटी में माल रखने का मतलब है कि काफ़ी ट्रस्टेबल क्लाइंट हैं। और बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले देखी और मैं जांच फिर के वीडियो बनाता हूँ, पहले भी आपने देखा होगा, इसीलिए मैं इनकी वीडियो शूट करी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी को भी शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।